एक सीकर ने पूछा है, असामान्य या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बात करने का क्या तरीका है जिससे कि बात ना बढ़े। देखिए, जब आपके सामने कोई अप्रिय परिस्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले आपका मानसिक रिएक्शन होता है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है, और मानसिक रिएक्शन के बाद उसी मानसिक रिएक्शन के आधार पर ही आपका शारीरिक रिएक्शन होता है, यानी फिजिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है और उसके बाद फिजिकल रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपका मन दुखी होता है, मन विचलित होता है, मन के अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, ये आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। और उसके बाद फिर आपका फिजिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल रिएक्शन यानी आपकी इस मना स्थिति के बाद, दुखी मन के बाद, आप उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए, परिस्थिति के साथ एडजस्ट करने के लिए जिस प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस रखते हैं, जिस प्रकार के जेस्चर्स रखते हैं या जिस प्रकार के एफर्ट्स कर रखते हैं, वो आपका फिजिकल रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार हम अपने रिएक्शन को दो पार्ट्स में, दो वर्गों में बांट सकते हैं, पहला साइकोलॉजिकल रिएक्शन और दूसरा फिजिकल रिएक्शन। अब अगर मान लीजिए कोई अप्रिय परिस्थिति पैदा हो रही है जिसमें कि आपका कोई साइकोलॉजिकल रिएक्शन है ही नहीं, मानसिक रिएक्शन नहीं है, सिर्फ शारीरिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, यानी आप एक एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म स्टार्स फिल्म में करते हैं। उसमें वो जब कोई एक्टिंग करते हैं तो कोई साइकोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ उनका फिजिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल एक्टिंग सिर्फ फिजिकल लेवल पर होती है, इसे कह सकते हैं रोल प्ले। जब आपके सामने कोई नार्सिसिस्ट कोई अप्रिय परिस्थिति पैदा करता है, कोई इमोशनल मैनिपुलेशन क्रिएट करता है, या आपको कोई टॉक्सिक परिस्थिति इस तरीके से क्रिएट करता है जिससे कि आप विचलित हो जाएं, तो सबसे पहले आपका उस अप्रिय परिस्थिति में मानसिक रिएक्शन होता है और उसके बाद आपका फिजिकल रिएक्शन होता है। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, इनके अंदर चूंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए इनकी अवेयरनेस पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डायरेक्टेड होती है। और जब आपकी अवेयरनेस पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डायरेक्ट होती है, तब आप बहुत अच्छे तरीके से ये देख पाते हैं कि दूसरे के रिएक्शंस क्या हैं। तो ये आपके जो आपकी जो मानसिक प्रतिक्रिया है, इसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। और जब इन्हें लग जाता है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विचलित हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं, तब ये समझ जाते हैं कि इनकी इनका जो इमोशनल मैनिपुलेशन है, ये आपके ऊपर काम करेगा और आगे की ट्रिक्स लगा करके आपको की जीवन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी ऑपरेट करने का, नार्सिसिस्ट के ऑपरेट करने का जो आधार है, वो आधार है आपका मानसिक रिएक्शन, यानी आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन। अब ये जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, ये किस रूप में टारगेट के अंदर मैनिफेस्ट होता है, अभिव्यक्त होता है? जब आप हर्ट होते हैं, विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, यानी आपका मानसिक रिएक्शन अब हो गया, तो आप क्या काम करते हैं, किसी भी आरोप कि आपके ऊपर लगने पर तुरंत आप डिफेंड करने लग जाते हैं अपने आप को, तुरंत अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं, और आप परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं मैंने ये नहीं किया, मेरे साथ गलत हो रहा है। बस जैसे ही आप इस तरीके से मीनिंगफुली रिएक्ट करते हैं, आप जैसे सिंसियरली अब अपनी बात को कहना शुरू कर देते हैं, भाई ये सिंसियरली ही बात करना हुआ, जब आपके खिलाफ कोई झूठा आरोप लग रहा है तो आप निश्चित रूप से बोलेंगे कि ये बड़ा गलत हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन करना, डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, ये सब सिंसियर कम्युनिकेशन या मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो आप अगर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने लग गए तो इसका मतलब आप पहले इमोशनली हर्ट हो गए, यानी आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो गया, और इस तरीके से आप डिफेंड जो कर रहे हैं ये आपका फिजिकल रिएक्शन है। अब अगर आपने साइकोलॉजिकल रिएक्शन डर का साबित कर दिया, दिखा दिया, तो इसका मतलब नार्सिसिस्ट ये समझ जाएगा कि आप जो है शिकार बनने के लिए तैयार हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपना मानसिक रिएक्शन रोकना होगा, मानसिक प्रतिक्रिया रोकनी होगी, ये जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है ये आपको रोकना होगा। जब आप साइकोलॉजिकल रिएक्शन रोकेंगे तो नार्सिसिस्ट को आप चाहे बताएं चाहे ना बताएं, वो तुरंत पता लगा लेगा कि
कि आप उसकी चालों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके मानसिक रिएक्शंस की कुछ छाप जो है वो आपके फिजिकल रिएक्शंस के ऊपर आ जाती है, वो उसको पकड़ लेता है तुरंत। तो आपको कहने का मतलब है अपने मानसिक रिएक्शन को रोकना है। मानसिक रिएक्शन के साथ साइकोलॉजी एक नार्सिसिस्ट से बात करना कुछ वैसा ही है जैसे जंगल में खून अपने ऊपर लपेट करके, अपने कपड़े में खून लगा करके जंगल में घूमना। जैसे ही आप खून लगा करके अपने कपड़ों में घूमते हैं जंगल में, तो जंगली जानवर आपको तुरंत खून को सूंघ लेते हैं और आपको शिकार समझ करके आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसी तरीके से जैसे जंगल में जंगली जानवर खून को सूंघ करके आपके कपड़ों में लगे हुए खून को सूंघ करके आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं शिकार समझ के, वैसे ही नार्सिसिस्ट आपके मानसिक रिएक्शन होने पर आपको शिकार समझ के आपके ऊपर दौड़ पड़ता है। तो बस आपको मानसिक रिएक्शन को रोकने की जरूरत है। तो मानसिक रिएक्शन कैसे रोका जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना। मानसिक रिएक्शन को रोकने की एक टेक्निक है जाप करना या बेली ब्रीदिंग करना। दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो तो आपको करना ही करना है, उसको भी सीखना है। उसके साथ साथ कुछ बातें और भी सीखनी है। वो ये है कि आपको नॉलेज का और अंडरस्टैंडिंग का एक अग्नि कवच पहन लेना है, अपनी फायर वॉलिंग कर लेना है। जैसे कंप्यूटर में फायर वॉल होती है जो कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बाहर से आने वाले ट्रैफिक से प्रोटेक्ट करती है, अंदर से जो बाहर ट्रैफिक जाता है उसको भी चेक करती है और बाहर से जो अंदर ट्रैफिक आता है उसको भी चेक करती है और सिर्फ सेफ ट्रैफिक को ही आने जाने देती। वैसे ही आपको अपनी फायर वॉलिंग करना है या अपना अग्नि कवच अपने ऊपर पहनना है। तो जब मैं ये कहता हूं कि आपको अग्नि कवच पहनना है, तो इस अग्नि कवच का मतलब क्या है? इस अग्नि कवच का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर ये समझ विकसित करनी है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, आपको ये जानना और समझना होगा कि ये व्यक्ति जैसा है वो आपकी वजह से नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कुछ ऐसे रहे हैं, इसके कुछ हेरेडिटिकल इन्फ्लुएंसेस हो सकता है ऐसे रहे हों, या इसके साथ कुछ ऐसी न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये व्यक्ति अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है, सुपर हीरो दिखाता है, और दूसरे लोग इसके सुपर हीरो होने को एक्सेप्ट कर सकें इसलिए दूसरों के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये व्यक्ति ऐसा अपने जीवन की परिस्थितियों की वजह से है, ना कि आपकी वजह से। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप इस व्यक्ति के ऐसा होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप इस व्यक्ति के व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि आप इसके व्यवहार के लिए, आपका कोई कसूर इसके व्यवहार के लिए, आपकी कोई गलती इसके व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसका व्यवहार ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी बैकग्राउंड ही ऐसी है, इसकी प्रॉब्लम है, इसकी न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ये ऐसा है, इसके साथ कुछ हेरिडिटिकल सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये ऐसा है, इसकी कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये ऐसा है, लेकिन आपकी कोई भी गलती इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये आपको ठीक से समझना होगा। नंबर वन पॉइंट ये है। और नंबर टू पॉइंट ये है, आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा सिर्फ आपके साथ है, ये व्यक्ति सभी के साथ ऐसा है। जिससे भी ये मिलता है उसको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये सब के साथ ऐसा ही करता है, सिर्फ आपके साथ ऐसा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा करता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आपके साथ कोई मैनिपुलेटिव टेक्निक्स लगाए, जब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, जब आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, इंसल्ट करने की कोशिश करे, कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको इसकी हरकतों को पर्सनली नहीं लेना है। बस ये बात आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि आपको इसको, ये सब के साथ ऐसा है, ऐसा है जैसे एक रोबोट होता है वो सबके साथ मैकेनिकल है,
आपके साथ ही थोड़ी मैकेनिकल है, अगर आप उसके रास्ते में आएंगे तो आपको भी कुचल देगा, दूसरा कोई आएगा तो उसको भी कुचल देगा, कोई दूसरा रोबोट आएगा तो उसको भी कुचल देगा। तो वो चल उसका का वो एक अंधा है, वो बस सीधे मैकेनिकली बस चलता रहता है, उसके रास्ते में आएंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसको इधर मुड़ना है कि उधर मुड़ना है। उसी तरीके से ये व्यक्ति है कि सबके साथ वैसा ही है, आपके साथ ऐसा, सिर्फ ऐसा आपके साथ हो ऐसा जरूरी नहीं। तो इसलिए आपको इसकी हरकतों को पर्सनली नहीं लेना है, व्यक्तिगत रूप से आपको आहत नहीं होना है। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि आप इसके हरकतों के लिए और ये जैसा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। दूसरी चीज, ये जो भी हरकतें आपके साथ कर रहा है ये सिर्फ आपके साथ नहीं कर रहा है बल्कि सबके साथ करता है ये, क्योंकि ये ऐसा है ही, अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया उसकी वजह से। तो जब आप ये दो बातें याद रखते हैं इस तरीके के व्यक्तियों के को लेकर के, तो आपके अंदर एक मौलिक स्वीकार भाव पैदा होता है इस तरीके की व्यक्तियों की हरकतों को लेकर के। और ये मौलिक स्वीकार भाव या रेडिकल एक्सेप्टेंस आपकी मानसिक प्रतिक्रिया को रोकने का काम करती है। आप उस तरीके से विचलित नहीं होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक मानसिक डिसऑर्डर है, और इस मानसिक डिसऑर्डर को जब आप देख लेते हैं तो आप उस मानसिक डिसऑर्डर के अगेंस्ट मेंटली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। और इस तरह से जब आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिएक्ट करना बंद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक अग्नि कवच के अंदर अपने आप को सुरक्षित कर लिया। फिर आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपको यह देखना होगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उसको दे दे रहे हैं, कोई वल्नरेबिलिटी कोई वीकनेस उसके बारे में बता दे रहे हैं, नहीं, आपको वल्नरेबल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे सीक्रेट्स जो आपको आहत कर सकते हैं उसको रोकना होगा। तो अग्नि कवच उन सब इंफॉर्मेशन को भी बाहर जाने से रोकेगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको इसको नहीं रोकेंगे तो उसका इस्तेमाल आपके ही अगेंस्ट कर देगा वो। तो आपको ये सब बातें याद रखनी होंगी, अपनी जो वल्नरेबल इंफॉर्मेशन है, आप अपने जो सीक्रेट्स हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपके विरोध में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको इससे दो इसको नहीं देना है, रोकना है इसको। अग्नि कवच के थ्रू पास होने का मतलब है, फायरवॉल के थ्रू पास होने का मतलब है, वही इंफॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए जिस इंफॉर्मेशन को आपके विरुद्ध यूज ना किया जा सके। फिर आपको एक बात ये देखनी होगी कि उसकी तरफ से जो मैनिपुलेशन आ रहा है, जो टैक्टिक्स आ रही हैं, जो आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र आ रहे हैं, वो सब अग्नि कवच के थ्रू पार होकर के आपके पास आने चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि हाँ ये ऐसा ही है और ये ऐसे चाल चलेगा, वो आपको एक्सपेक्ट करके रखना है। और आपको ये याद रखना है कि आपको मेंटली रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके मेंटली रिएक्ट करना कुछ वैसा ही है जैसे जंगल में खून लगा करके घूमना। तो आप जानते हैं कि इसी की वजह से ये आपको प्रे बना सकता है, शिकार बना सकता है, इसलिए आपको मेंटली रिएक्ट नहीं करना है। इस बात को भी आपको इन अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखना है। तो जब आप ऐसा अपने दिमाग में बनाए रखेंगे तो इसका मतलब आप अग्नि कवच के अंदर सुरक्षित हैं और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, हर क्षण आप प्रिपेयर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को लेकर कॉन्शियस रहेंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए, नहीं, आपको हर वक्त कॉन्शियस रहना चाहिए, ना सिर्फ इस तरीके के व्यक्तियों के लिए, इस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट आपको सुरक्षित रहना चाहिए, बल्कि इस तरीके के कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आए तो आपको उसकी तैयारी हमेशा होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले तो उसके अगेंस्ट आपको तैयारी होनी चाहिए। इसलिए ये जो फायर वॉल है ये हमेशा एक्टिव होना चाहिए, जो आपका अग्नि कवच है ये हमेशा एक्टिव होना चाहिए। और जाप जब आप करते रहते हैं तो इसका मतलब आप अग्नि कवच में हैं, क्योंकि जाप करने से आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो थॉट्स को रोक देता है। जाप जब थॉट्स को रोक देता है तो आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल आता है, क्योंकि थॉट्स से इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो जाप भी करते रहना है तो उससे आप जो है एक मजबूत परिस्थिति में होंगे, आपका अग्नि कवच मजबूत होगा। और जितना आपका अग्नि कवच मजबूत होगा और आप मेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे, उतना आप इस व्यक्ति को एक शिकार की तरीके से कम आकर्षित कर पाएंगे। और जब आप इसको शिकार की तरीके से कम आकर्षित कर पाएंगे तो इसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे आपके अंदर कम होता जाएगा, इन द सेंस कि ये आपको टॉर्चर करे, क्योंकि जब ये देखेगा कि आप इसका शिकार नहीं है क्योंकि आप मेंटली रिएक्ट करते नहीं है, तो धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट आपके अंदर खत्म होता जाएगा। तो इस तरीके की जब हम फायर वॉलिंग या अग्नि कवच अपने पहन लेते हैं, अग्नि कवच के अंदर आ जाते हैं, तब फिर ये चीज पिक्चर में आती है कि हमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए बात करने के लिए। तो
तो बात करने की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, जिसमें से एक टेक्निक है उसे कहते हैं ग्रे रॉक मेथड, या उसको हम हिंदी में कह सकते हैं शिलाखंड विधि। तो शिलाखंड विधि क्या है? शिलाखंड विधि में हमको अच्छी तरीके से याद रखना होता है कि नहीं, हमको कोई भी अपनी वल्नरेबल इंफॉर्मेशन चूंकि बाहर देनी नहीं है, हमको डिफेंड नहीं करना है अपने आप को, एक्सप्लेन नहीं करना है अपने आप को, जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि जहां हमने एक्सप्लेन किया, जस्टिफाई किया और हमने जो है अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, तुरंत ये व्यक्ति समझ जाएगा कि हम मानसिक रूप से विचलित हो गए, अब हमें शिकार बनाया जा सकता है। तो हमें ये सब अच्छे तरीके से याद रखना है कि हम बिल्कुल अलर्ट रहें और किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करने की या डिफेंड करने की कोशिश ना करें। तो ये बात जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो बातचीत करने की जो विधि हम अपना सकते हैं वो कहलाएगी ग्रे रॉक मेथड या शिलाखंड विधि। तो शिलाखंड विधि में क्या होता है? शिलाखंड विधि में हम सिर्फ सिर हिला करके या हाँ या ना में जवाब देते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, बात को ज्यादा बढ़ाते नहीं है, बहुत ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा बोलेंगे तो उसी में फंसने के चक्कर भी हमारा पैदा हो जाता है, तो हम अपना चुप रहते हैं। तो ये एक तरीके की डिस एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम अपने इमोशंस को काबू में कर लेते हैं अपने अंदर, जैसे कछुआ जो है अपने पैर अपने अंदर कर लेता है, वैसे अपने इमोशंस को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शन नहीं देते हैं और हाँ या ना में जवाब देते हैं, बेकार की बातें नहीं करते हैं, जो जरूरी है सिर्फ उतना बोलते हैं, हाँ ना में बस जवाब देते हैं, सिर हिला करके सिर्फ जवाब देते हैं, और ज्यादा मैनर्स इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैनर्स इत्यादि का प्रयोग करना, कर्टियस शब्दों का प्रयोग करना वो ग्रे रॉक मेथड में नहीं आता, तो आप इसे भी प्रयोग सिर्फ हाँ या ना। तो ये एक तरीके की डिसएंगेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें हम दूरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, कोई भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नार्सिसिस्ट के साथ पूरी तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि ये जो है जब आप कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं और इनको ये लगता है कि आप इनका शिकार नहीं बन रहे हैं, तो उससे इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और ये बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, चीखने चिल्लाने लग सकते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो कैसे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे ये परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि फिजिकल रिएक्शन आपका क्या होगा इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, जैसी परिस्थिति हो वैसा करना है, बस साइकोलॉजिकल रिएक्शन आपको रोकना है। फिजिकल रिएक्शन रोकने की बात नहीं कही जा रही है यहाँ पे, सिर्फ साइकोलॉजिकल रिएक्शन को रोकने की बात कही जा रही है। तो जब आप ग्रे रॉक मेथड अपनाते हैं तो ये नार्सिसिस्ट को नाराज कर देता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि आप तो इसका शिकार बने ही नहीं, तो वो बौखला जाता है बुरी तरीके से। दूसरी चीज, ग्रे रॉक मेथड में एक प्रॉब्लम और भी है, नार्सिसिस्ट जो है वो हमेशा दूसरे लोगों को भी कन्विंस करके रखता है कि देखो ये कितना खराब है, पहले से ही आपकी बुराई करता रहता है चारों तरफ कि ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा, झूठी कहानी बना करके आपकी एक ब्लैक इमेज बना करके रखता है, और वो व्यक्ति जिनको उसने कन्विंस किया हुआ है आपके अगेंस्ट, जिनको हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं फ्लाइंग मंकीज, तो वो फ्लाइंग मंकीज जब आपको देखते हैं कि आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हाँ या ना में तो बोल रहे हैं, सिर्फ सिर हिला के जवाब दे रहे हैं, ज्यादा आप एंगेज नहीं करते हैं, बिल्कुल अलूफ बने रहते हैं, अलग रहते हैं, डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो ये कन्विंस हो सकते हैं फ्लाइंग मंकीज कि हाँ ये जो आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है वो आरोप सही है, इनका वास्तव में स्वभाव ऐसा ही है, तो फ्लाइंग मंकीज आपके अगेंस्ट तुरंत आ जाएंगे और आपके खिलाफ एक स्मियर कैंपेन या दुष्प्रचार आपके खिलाफ करने लग सकते हैं नार्सिसिस्ट के फेवर में। साथ ही साथ एनेबलर्स को भी, एनेबलर्स भी इसमें एक्टिव हो जाते हैं। एनेबलर्स वो लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि आपके रिलेशनशिप की बैकग्राउंड क्या है, तो वो आपको सलाह देने लग जाते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ठीक से बातचीत करके सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। तो ये एनेबलर्स जो है ये एक्टिव हो जाते हैं जब आप ग्रे रॉक मेथड अपनाते हैं, क्योंकि एनेबलर्स को लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन की तरफ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वो एनेबलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ये ग्रे रॉक मेथड की प्रॉब्लम है। तो इसी ग्रे रॉक मेथड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक दूसरी कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करते हैं, जो कि थोड़ा इसका एक एक्सटेंशन है, जिसे हम कहते हैं येलो रॉक मेथड या पीत शिलाखंड विधि। तो पीत शिलाखंड विधि क्या है? पीत शिलाखंड विधि में हम सिर्फ यस एंड नो, हाँ या ना में तक नहीं सीमित रहते हैं,
पीत शिलाखंड विधि में हम मैनर्स भी यूज करते हैं, थैंक यू भी हम कहते हैं, और हम सॉरी थैंक यू इस तरीके के मैनर्स वाले वर्ड्स भी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यस नो के साथ थोड़ा सा मैनर्स को भी हम इसके अंदर यूज करते हैं, थोड़ा कर्टेसी विनम्रता का भी प्रयोग करते हैं इस टेक्निक में, जिसे कि हम पीत शिलाखंड या येलो रॉक मेथड कहते हैं। लेकिन इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस टेक्निक में भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम थोड़ा पोलाइट होते हैं तो इससे नार्सिसिस्ट के अंदर एक मैसेज जाता है कि शायद मेरी जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं इनके ऊपर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से ये पोलाइट बने हैं, क्योंकि ये हो सकता है पोलाइट इसलिए बन गए हों क्योंकि ये अंदर से डर गए हों या मेरा खौफ इनके अंदर आ गया। तो इस तरीके से वो सोचता है कि हाँ शायद मेरी टेक्निक्स काम कर रही हैं, या इनको फर्दर अगर हम टेक्निक्स का यूज़ इनके ऊपर करें तो इनको और ज़्यादा टॉर्चर कर सकते हैं, शिकार बना सकते हैं। तो जब आप कर्टियस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि आपको फर्दर शिकार बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये येलो रॉक मेथड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन येलो रॉक मेथड का फ़ायदा ये है कि आप इनेबलर्स और जो फ्लाइंग मंकीज़ हैं उनके आप स्कैनर में नहीं आ पाते, क्योंकि फ्लाइंग मंकीज़ को आपका बिहेवियर नॉर्मल लगता है, इनेबलर्स को आपका बिहेवियर नॉर्मल लगता है, तो वो नार्सिसिस्ट की जो स्मियर कैंपेन है, जो दुष्प्रचार है, उसके चक्कर में नहीं उतना आते हैं, क्योंकि उनको वो ठीक से कन्विंस नहीं हो पाते कि हाँ आपके ही कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल करें, चाहे येलो रॉक मेथड का इस्तेमाल करें, वो तो जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आप मेंटली रिएक्ट ना करें, क्योंकि सारा आकर्षण मेंटली रिएक्ट करने का ही है। फिर दो टेक्निक्स और भी हैं बात करने की, जिसमें से एक टेक्निक कहलाती है नो कॉन्टैक्ट मेथड या असंप्रेषण विधि। असंप्रेषण विधि का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमने सेपरेशन का पूरी तरीके से फैसला कर लिया है कि हम अब आगे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में नहीं रखेंगे, तो फिर हम पूरी तरीके से सारे कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देते हैं। ये एक अच्छी टेक्निक है, अगर परिस्थिति अलाउ करती है तो हम असंप्रेषण विधि या नो कॉन्टैक्ट विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर परिस्थिति अलाउ नहीं करती है, हमेशा परिस्थिति ऐसा अलाउ नहीं करती है कि हम किसी से बिल्कुल बात बंद कर सकें, तो अगर हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते, बंद कर सकते हैं, तो फिर हमें ग्रे रॉक मेथड या येलो रॉक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से बात बंद करने की लग्जरी हमारे पास है तो फिर नो कॉन्टैक्ट मेथड या असंप्रेषण विधि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। फिर एक विधि और है बातचीत करने की, जिसे हम कहते हैं अल्प संप्रेषण विधि या लो कॉन्टैक्ट मेथड। लो कॉन्टैक्ट मेथड ये होता है कि कभी कभी हमने ये डिसाइड किया होता है कि हम दूसरे से कोई बातचीत नहीं रखेंगे, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे दूसरे से, अब पूरी तरीके से बातचीत खत्म कर देंगे। लेकिन कोई ऐसा ओकेजन आ गया कि कोई शादी में हम गए या कहीं किसी और कोई घटना हो गई है उसमें हम कहीं गए और वो व्यक्ति वो मिल गया जिससे कि हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम इससे किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। कभी कभी ऐसा कर्टसी के लिए या ऐसा ज़रूरी होता है कि हमें थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, नमस्ते गुड मॉर्निंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो नमस्ते गुड मॉर्निंग इत्यादि हम करके तुरंत फिर से नो कॉन्टैक्ट मोड में आ जाते हैं, थोड़ी देर बात करके थोड़ी फिर से नो कॉन्टैक्ट मोड में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इन कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल बातचीत के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मुझे लगती है कि सबको जानना चाहिए, हम सब के अंदर ये कमी होती है कि हम सब हमेशा हर बात का जवाब सिंसियर कम्युनिकेशन से देते हैं। चाहे हमसे सवाल पूछने वाला, हमसे बात करने वाला सिंसियर हो चाहे इनसिंसियर हो, हमारा कम्युनिकेशन हमेशा सिंसियर होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मोरालिटी ये कहती है, नैतिकता ये कहती है कि हमें अपनी तरफ से हमेशा सिंसियर कम्युनिकेशन, सिंसियर या मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करना चाहिए। चाहे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो है वो सिंसियर है कि दूसरा इनसिंसियर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई मॉरल बाइंडिंग आपके ऊपर नहीं है। इनसिंसियर कम्युनिकेशन का जवाब सिंसियर कम्युनिकेशन से देना, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन से देना कोई बहुत मैच्योरिटी नहीं है, कोई बहुत मोरालिटी नहीं है।
तो आपको याद रखना है कि अगर दूसरा व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेशन में इनसिंसियर है, उसकी अप्रोच इनसिंसियर है, उसका इंटेंट या उद्देश्य इनसिंसियर है, तो आपको उसको सिंसियर या मीनिंगफुल कम्युनिकेशन से आपको जवाब नहीं देना है। आपको भी इनसिंसियर कम्युनिकेशन से उसको जवाब दीजिए। तो इनसिंसियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? उल्टा सीधा जवाब देने लगे? नहीं, इनसिंसियर कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसा कम्युनिकेशन जो मीनिंगफुल ना हो। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ना होने का मतलब क्या है? मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ना होने का मतलब ये है कि जब आप एक्सप्लेन करना बंद कर दें, जस्टिफाई करना बंद कर दें और आप डिफेंड करना अपने आप को बंद कर दें, उस परिस्थिति में जब आपको ये लग जाए कि दूसरा व्यक्ति सिंसियर नहीं है, जब दूसरा व्यक्ति सिंसियर नहीं है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आप मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप इनसिंसियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इनसिंसियर कम्युनिकेशन का जवाब इनसिंसियर कम्युनिकेशन है। इनसिंसियर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप अंडमंड कुछ भी बोलने लगे। इनसिंसियर कम्युनिकेशन का मतलब है जब आपको लगे कि सामने वाला सिंसियर नहीं है तो आप अपने सीक्रेट्स के बारे में बात मत कीजिए, अपने मानसिक रिएक्शंस को कंट्रोल कीजिए, जस्टिफाई करना बंद कीजिए, एक्सप्लेन करना बंद कीजिए, डिफेंड करना बंद कीजिए। तो इस तरीके से इनसिंसियर कम्युनिकेशन का इनसिंसियर मीनिंग अनमीनिंगफुल अप्रोच के साथ उसको आप टैकल कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं समझने के लिए जब भी आप किसी इस तरीके के नार्सिसिस्टिक व्यक्तियों से बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं ये काफी नहीं है, आपको ऑथेंटिक बिहेवियर भी सीखना होगा। और ऑथेंटिक बिहेवियर या सत्यनिष्ठ बिहेवियर ये है कि जब कोई व्यक्ति इनसिंसियर है तो हमें उसके साथ इनसिंसियर अप्रोच ही अडॉप्ट करनी होगी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए।